नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कई विभागों की वर्चुअल बैठक करेंगे सीएम भूपेश बघेल। कमला बैराज प्रभावित किसानों को देंगे मुआवजा राशि, तो वही राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बीज कृषि विकास के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल, दुबई जिला सहकारी केंद्र बैंक पदभार ग्रहण में भी होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे, जिला सहकारी केंद्र बैंक पदभार ग्रहण में भी वो शिरकत करेंगे। इस दौरान कई अहम कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। रायपुर से ये बड़ी खबर है, कई विभागों की वर्चुअल बैठक लेंगे सीएम बघेल। और आपको बता दें कि कलमा बैरेज प्रभावित किसानों को देंगे मुआवजा राशि, तो वही राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मान समारोह में होंगे शामिल। आपको बता दें उनकी ये सभी बैठकें और वर्चुअल तरीके से वो जुड़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सभी लोगों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि कमला बैरेज प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि दी जाएगी, कई विभागों की वर्चुअल बैठक लेंगे सीएम बघेल। रायपुर से ये बड़ी खबर, कमला बैरेज प्रभावित किसानों को देंगे मुआवजा राशि, तो वही राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मान समारोह में भी वो शिरकत करेंगे। आपको बता दें उनके सभी कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से आयोजन होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बीज कृषि विकास के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे, जिला सहायक केंद्र बैंक पदभार ग्रहण में भी सीएम शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको बता दें कि कई विभागों की वर्चुअल बैठक लेंगे सीएम भूपेश बघेल, और इस दौरान कई कमला बैरेज प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि देंगे, तो वही राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मान समारोह में भी वो शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर आज सीएम भूपेश बघेल कई बैठकों में वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे, और इस दौरान जिला सहकारी केंद्र बैंक पदभार ग्रहण में भी वो शामिल होंगे। रायपुर से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कई विभागों की वर्चुअल बैठक होगी आज, और सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ राज्य बीज कृषि विकास के कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। चलिए, तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, आज सीएम वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे, क्या कुछ होगा इस बैठक में? भूपेश बघेल पिछले लगातार 15 दिनों तक बैठकों का दौर उनका शुरू था, वो लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा में व्यस्त है। तो जाहिर तौर पर इस बार भी वो आज उन समीक्षा बैठकों में क्या निष्कर्ष निकला है और क्या आगे हो रणनीतियां तय की गई है आने वाले समय में, इन तमाम पहलुओं को लेकर वो विभागीय बैठकों में अपना मशवरा देंगे। साथ ही जमीन स्तर तक जो काम पहुंचाने की कवायद भूपेश बघेल ने उसका बीड़ा उठाया है, उसको लेके वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते, लिहाजा वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल जो है जांजगीर जिले में बने कलमा बैराज जो प्रभावित किसान है, कुमान क्षेत्र में आने वाले किसान है, लोग हैं, उनको मुआवजे की राशि वो इस दौरान वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान देंगे। साथ ही अगर मैं बात करूं तो जो शिक्षकों का सम्मान होना है उस समारोह में भी वो शामिल होंगे। इसके अलावा जो रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है, जो नवनियुक्त अध्यक्ष है, उनके पदभार ग्रहण के कार्यक्रम में भी वो वर्चुअल तरीके से शामिल रहेंगे। ये पूरा कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, और वो लगातार इस तरह से वर्चुअल कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं। जी ओम प्रकाश जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए इस